यस मैम आ गया। हाँ तो बुक का पीडीएफ पोस्ट किए हैं जो कि जिसमें सिर्फ एक चैप्टर है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के ऊपर, उसमें बहुत ही वास्ट तरीके से दिया हुआ है, तो उतना ज़्यादा नहीं करना है। तो फिर भी अगर कोई इंटरेस्टेड है एडवांस चीज़ इसमें पढ़ने में तो वो कर सकता है, और उसमें न्यूमेरिकल है तो इसलिए हम वो बेसिकली पोस्ट किया। ऐसा नहीं कि हम उसी उसी बुक से या उसी चैप्टर से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस वो हमको मिल गया अभी, तो हम देखें उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल है इसलिए हम उसको शेयर कर दिए हैं। तो जिसको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है वो वहाँ से कर सकता है, और जिसको ये करना है कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो वहाँ से भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो जो लोग क्लास में नहीं थे लास्ट क्लास में, उनके लिए हम एक बार फिर से रिकैप कर दे रहे हैं। हम लोग कल फीडबैक एम्पलीफायर शुरू किए थे, जिसमें कि हम लोगों को नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक का कॉन्सेप्ट देखना था। ठीक है, तो हम लोग फीडबैक में क्या देखे, ये एम्पलीफायर है, इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, कुछ पोर्शन जो है आउटपुट का उसको वापस से इनपुट में कॉम्बाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके बेसिस पे हम लोग फीडबैक को दो टाइप में बांटते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, हमारा जो भी आउटपुट से हम जो सिग्नल ले रहे हैं वो जा करके इनपुट में प्लस हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं जो फीडबैक है वो ऐड हो रहा है, इसीलिए पॉजिटिव फीडबैक है। इसका एप्लीकेशन है पब्लिक एड्रेस सिस्टम में, मतलब जो साउंड सिस्टम रहता है या कभी तुम्हारा जो प्रोग्राम होता है कॉलेज में या स्कूल में, तब जितना भी साउंड सिस्टम होता है जिसमें कि स्पीकर होता है, एम्पलीफायर होता है, ये सारा कुछ इसी में आता है। अब बताओ तुम लोग अभी तक एक एक करके आ रहे हो। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, जो भी हम लोग फीडबैक सिग्नल दे रहे हैं वो यहाँ पे इनपुट में जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, स्पीड कंट्रोल में और एम्पलीफायर में। पॉजिटिव फीडबैक कहाँ काम आता है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम में और ऑसिलेटर में। ठीक है, तो जो बेसिक चीज, जो मेन चीज कल बताया गया था वो यही बताया गया था कि पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर क्या है। मान लेते हैं मेरे पास पहले ये एक एम्पलीफायर था। ठीक है, तो एम्पलीफायर है तो ये भी हमको गेन देगा, मेरे पास ये एम्पलीफायर है जिसका गेन ए है, तो हम जो भी इनपुट देंगे ये हमको ए इंटू इनपुट देगा, यही मेरा आउटपुट होगा। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि इसमें फीडबैक लगाए। ठीक है, तो फीडबैक के लिए क्या होगा, कुछ पोर्शन ऑफ आउटपुट हम लोग वापस से इनपुट में देंगे, किसके थ्रू, तो ये बीटा जो है इसको कहते हैं फीडबैक नेटवर्क। तो फीडबैक नेटवर्क के थ्रू हम लोगों को वापस से इनपुट में कुछ पोर्शन ऑफ आउटपुट देना है। तो यहाँ पे मान लो एस नॉट आया, तो एस नॉट का कुछ पोर्शन हम लोग ये बीटा से पास करा करके, और ये एस एफ बी क्या है, फीडबैक सिग्नल, एस आई क्या है, इनपुट सिग्नल, एस ई इसको बेसिकली कहते हैं एरर, एरर के लिए यहाँ पे ई लेते हैं। तो अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो एस आई प्लस एस एफ बी, क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक है तो इनपुट में ये फीडबैक सिग्नल ऐड होगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, एस आई प्लस एस एफ बी। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे एस ई लिख दिए हैं, और यहाँ पे इक्वेशन लिख दिए एस ई इक्वल्स टू एस आई प्लस एस एफ बी। ठीक है, अब इस एम्पलीफायर में पहले जब फीडबैक नहीं था तो ये जो एम्पलीफायर इसमें क्या सिग्नल जा रहा था, एस आई जा रहा था, लेकिन फीडबैक के बाद अब क्या जा रहा है, एस आई प्लस एस एफ बी जा रहा है। ठीक है, तो अभी हमको फिर आउटपुट मिल रहा है, फिर जो आउटपुट मिलेगा इसका कुछ पोर्शन हम पीछे भेजेंगे। तो अभी हमको यही पता करना है कि ये मेरा जो फीडबैक के बाद गेन कितना होता है। तो अगर हम कोई फीडबैक नहीं लगाएं तो एम्पलीफायर का गेन ए है, इसको कहते हैं ओपन लूप गेन। ठीक है, ओपन लूप गेन क्यों, क्योंकि जब फीडबैक देते हैं तो ये एक लूप टाइप का हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब फीडबैक नहीं है तब तो वो लूप रहेगा नहीं, इसीलिए उसको कहते हैं ओपन लूप। ठीक है, और ए एफ क्या है, क्लोज्ड लूप, मतलब जब लूप है, एक लूप बन रहा है, फीडबैक दिए तो एक लूप बना, तो ए एफ मेरा है क्लोज्ड लूप गेन। ठीक है, तो क्लोज लूप गेन को कैसे डिफाइन करेंगे, ए एफ क्या होगा, मतलब अभी फीडबैक के साथ मेरा ये पूरा एक फीडबैक एम्पलीफायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्लोज लूप गेन क्या हो गया, इनपुट हम लोग एस आई दे रहे हैं, आउटपुट एस नॉट ले रहे हैं, तो ये जो ए एफ होगा वो होगा एस नॉट बाय एस आई। लेकिन ये जो ओपन लूप गेन है, मतलब सिर्फ ए जो है, ये वाला सिर्फ ए, उसमें क्या हो गया, आउटपुट एस नॉट आ रहा है लेकिन इनपुट क्या आ रहा है, एस ई, इसीलिए ये हो जाएगा एस नॉट बाय एस ई। ठीक है, तो मेन चीज हम लोगों को यही समझना है कि क्लोज लूप गेन मतलब वो वाला गेन लेंगे जिसमें कि फीडबैक सर्किट को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर ओवरऑल गेन चाहिए तो मतलब हमको आउटपुट क्या मिल रहा है और इनपुट हम क्या दिए थे, अब बीच में फीडबैक लग रहा है या नहीं लग रहा है या कैसे लग रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन मेरा क्लोज लूप गेन जो होगा, ओवरऑल गेन जो होगा, वो तो आउटपुट बाय इनपुट होगा।
लेकिन इस केस में फीडबैक के केस में ओपन लूप गेन अब क्या हो जाएगा, अगर सिर्फ ए निकालेंगे तो एस नॉट बाय एस आई, ठीक है। तो अब ए एफ निकालना है, ए एफ इक्वल्स टू होगा एस नॉट बाय एस आई। तो अभी हम लोग को देखना है कि क्या होगा, तीन इक्वेशन है, ये एस नॉट क्या हो जाएगा ए इंटू एस ई पहला इक्वेशन, एस एफ बी क्या हो जाएगा एस नॉट यहाँ से आ रहा है, मतलब ये जो एम्पलीफायर है इसमें इनपुट दे रहे हो एस नॉट, आउटपुट आ रहा है एस एफ बी, इसलिए एस एफ बी क्या हो जाएगा बीटा इंटू एस नॉट, और ये यहाँ पे जब सिग्नल जाएगा तो एस ई क्या हो जाएगा एस आई प्लस एस एफ बी। तो ये तीन इक्वेशन है, इस तीन इक्वेशन के बेसिस पे हम लोगों को ये जो एक्सप्रेशन है वो निकालना रहता है, डिराइव करने आता है एग्जाम में यही वाला। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, कल बताए थे एस नॉट से स्टार्ट करना है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एस नॉट क्या होगा ए इंटू एस ई, लेकिन इक्वेशन में मेरा एस ई नहीं है, एस ई को रिप्लेस करना होगा, एस ई की जगह क्या लिख सकते हैं एस आई प्लस एस एफ बी, तो हम लोग लिखेंगे ए एस आई प्लस एस एफ बी। अब हमारे इक्वेशन में क्या है, सिर्फ एस नॉट और एस आई है, एस नॉट है एस आई है लेकिन एस एफ बी नहीं है, इसका मतलब इसको भी हमको हटाना पड़ेगा, तो एस एफ बी की जगह क्या लिख सकते हैं बीटा एस नॉट, तो यहाँ लिखेंगे ए एस आई प्लस बीटा एस नॉट, ठीक है। अब बस इसका ब्रैकेट खोल दो, तो एस नॉट इक्वल्स टू ए एस आई प्लस ए बीटा एस नॉट, एस नॉट को एक जगह ले लो तो वन माइनस ए बीटा इक्वल्स टू ए एस आई, तो यहाँ से हमको लोगों को क्या मिल गया एस नॉट बाय एस आई क्या हो गया ए बाय वन माइनस ए बीटा, यही प्रूफ करना था। तो कल हम बस इतना ही बताए थे कि पॉजिटिव में क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, ये जो फीडबैक सिग्नल आएगा वो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो पहले क्या था, पॉजिटिव के केस में एस ई हम लोग लेते थे एस आई प्लस एस एफ बी, ठीक है, ये पॉजिटिव के केस में, लेकिन नेगेटिव के केस में क्या हो जाएगा, इनपुट सिग्नल में ये जो फीडबैक सिग्नल आ रहा है वो माइनस हो रहा है, दैट मीन्स एस आई माइनस एस एफ बी, ठीक है। तो अभी हो गया इसी तरह, जैसे अभी पॉजिटिव के लिए बताया तो तुम लोग को नेगेटिव के लिए यही देखना था। मैम मतलब हम जब पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर लगाएंगे, मतलब एम्पलीफायर, तो मतलब मैम उससे कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब डिसएडवांटेज भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, सुनो जो लोग कल क्लास नहीं किए थे, सुनो ये सारा कुछ हम कल डिस्कस कर चुके हैं, तो आज का टाइम ये हो जाएगा, हम वीडियो ऑलरेडी अपलोड करेंगे अभी क्लास के बाद, तो जब लाइव होगा ना तो एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है। लेकिन जो बहुत काम का चीज था वो हम अभी बता दिए हैं कि डिराइव कैसे करना है, फीडबैक से जो पॉजिटिव फीडबैक होता है उससे गेन बढ़ता है, लेकिन बहुत तरीके का प्रॉब्लम आता है, डिस्टॉर्शन आता है, ये सब होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, इनस्टेबिलिटी आता है सर्किट में। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, गेन कम होता है लेकिन डिस्टॉर्शन नहीं होता है नेगेटिव फीडबैक से, और तुम्हारा जो स्टेबिलिटी होता है सर्किट का वो बढ़ जाता है, ठीक है। अभी के लिए इतना जानो, फिर वीडियो आएगा ना तो उसको एक बार देख लेना, क्योंकि अभी फिर क्लास का टाइम हो जाएगा, तुम लोग का 10 बजे से किसका क्लास है, तो अभी के लिए क्या याद रखना है, अगर कोई भी सर्किट में या एम्पलीफायर में पॉजिटिव फीडबैक लगा है तो विद फीडबैक गेन क्या हो जाएगा, ओपन लूप गेन बाय 1 माइनस ए बीटा, और अगर नेगेटिव फीडबैक लगा हुआ है तो 1 बाय ए बाय 1 प्लस ए बीटा, ठीक है। ये नेगेटिव फीडबैक के लिए है, ये पॉजिटिव फीडबैक के लिए है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस जो है वो नेगेटिव के लिए, नहीं, पॉजिटिव फीडबैक है तो यहाँ पे माइनस आएगा, नेगेटिव फीडबैक है तो यहाँ पे प्लस आएगा। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। तो अभी एडवांटेज देख लेते हैं नेगेटिव फीडबैक का। नेगेटिव फीडबैक का एडवांटेज क्या है, डिस्टॉर्शन को कम करता है, इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस को इम्प्रूव करता है, बैंडविड्थ बढ़ाता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये सारा कुछ हम लोग को डिटेल में देखना है, दोनों के लिए, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी, तो वो हम लोग देखेंगे इसमें कैसे बैंडविड्थ बढ़ता है। हम लोग पॉजिटिव में देखे थे कि बैंडविड्थ कम हो जाता है, तो ये सारा कुछ देखेंगे। एक जो डिसएडवांटेज है इसका वो यही है कि गेन रिड्यूस हो जाता है एम्पलीफायर का, ठीक है। लेकिन हम इतना चलता है, अगर गेन थोड़ा सा रिड्यूस भी हो लेकिन हमको इतना सारा एडवांटेज अगर मिल रहा है तो हम लोग नेगेटिव को यूज करते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर से पहला चीज तो था उसका डेरिवेशन, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि हम करा दिए हैं। दूसरा चीज क्या है, तुम्हारा न्यूमेरिकल, इसे न्यूमेरिकल आता ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है सारा न्यूमेरिकल, तो सभी को बिल्कुल प्रैक्टिस होना चाहिए इसका कि किसी का भी एग्जाम में गलत नहीं हो, ठीक है।
तो हम यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा हिंट दे देते हैं। ये ऑलरेडी तुम लोगों को एक असाइनमेंट भी हम पोस्ट कर दिए हैं क्लासरूम में, तो वो कंप्लीट करना है, ठीक है, और ये सारा भी बनाना है। हम देख लेंगे अगर ये सारा उस असाइनमेंट क्वेश्चन में है तो ठीक है, वरना हम इसको भी उसमें कॉपी कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है, द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक इज 3000। अभी फीडबैक में क्या क्या चीज़ें है हमारे पास, बस तीन चीज़ ही है, एक ए है, एक ए एफ है, एक बीटा है ना। तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमको बस यही तीन फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वोल्टेज गेन किसी एम्पलीफायर का विदाउट फीडबैक 3000 है। तो विदाउट फीडबैक मतलब ये क्या दे रहा है, ए दे रहा है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए ए दिया हुआ है 3000। कैलकुलेट वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर इफ नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक इज इंट्रोड्यूस्ड। नेगेटिव फीडबैक है तो इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए एफ इक्वल्स टू ए बाय वन प्लस ए बीटा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, गिवन दैट फीडबैक फ्रैक्शन बीटा इक्वल्स टू 0.01। ए दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेट वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर इफ फीडबैक इज इंट्रोड्यूस, मतलब तुमको अभी वोल्टेज गेन ढूंढना है फीडबैक के बाद, मतलब ए एफ ढूंढना है। तो ये आराम से हो जाएगा, ए एफ इक्वल्स टू ए बाय वन प्लस ए बीटा, ए दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, ए एफ निकल जाएगा। सेकेंड देखो, द ओवरऑल गेन ऑफ अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज 140। अब ये ओवरऑल गेन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फीडबैक वाला गेन दिया हुआ है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है ना। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में हम लोग ओवरऑल गेन टर्म यूज करते थे, जिसका मतलब होता है अगर चार स्टेज कनेक्टेड है तो चारों का मिला करके गेन कितना है। तो वो दिया हुआ है कि एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, उसका ओवरऑल गेन है 140। मतलब ये है ए, यहाँ फीडबैक नहीं है, तो जिस चीज में फीडबैक नहीं है वो सिंपल ओपन लूप गेन होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमको ए जो है वो है 140। When negative voltage feedback is applied, the gain is reduced to 17.5। अब इसमें क्या है, negative voltage apply हो रहा है। शिवम कुमार, शानु आनंद, class timing 9 बजे से था ना, तुम लोग अभी आ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा open loop gain है वो 140 हो गया। अभी इसमें बोल रहा है कि negative voltage feedback है, इसका मतलब है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a बाय वन प्लस ए बीटा। द गेन इज रिड्यूस टू 17.5, मतलब जब हम फीडबैक अप्लाई किए तो मेरा गेन क्या हो गया, 17.5, ठीक है। अब लास्ट क्लास में हम बताए थे कि न्यूमेरिकल का वैल्यू देख करके उसको थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या बोले थे, नेगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस द गेन, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पहले मेरा गेन कितना था, 140 था, लेकिन फीडबैक अप्लाई करने के बाद अब गेन कितना हो गया, 17.5 हो गया, रिड्यूस हो गया गेन, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए कि फीडबैक के बाद, क्वेश्चन में भी देख लिया कि हाँ फीडबैक अप्लाई करने के बाद गेन रिड्यूस हो रहा है। अभी क्या बोल रहा है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट दैट इज फेड बैक टू इनपुट। तो ये क्या बोल रहा है फाइंड करने, फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट दैट इज फेड बैक टू इनपुट, वो क्या होता है, बीटा होता है। बीटा क्या करता है कि आउटपुट में से कितना पोर्शन ऑफ सिग्नल हम लोग वापस इनपुट में कंबाइन कर रहे हैं, तो ये वही ढूंढने बोल रहा है। तो इसका मतलब हमको बीटा फाइंड करना है। हम यहाँ पे तुम लोग के सुविधा के लिए आंसर भी दे दिए हैं, ताकि तुम लोग फर्स्ट टाइम अगर जब सॉल्व करो तो तुम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ आंसर सही है। तो ए दिया हुआ है, ए एफ दिया हुआ है, बीटा ढूंढना है, सिंपल, इसमें बस पुट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। यहाँ पे ये पता चल गया ना, ए एफ 17.5 कैसे हुआ, ए 140 कैसे हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा लाइन है वहां, एक बार फिर से समझा दीजिए, व्हेन वोल्टेज नेगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस वाला जो पॉइंट। अच्छा अभी हम लोग पढ़े ना इसमें, अभी जो नेगेटिव फीडबैक वाला जो हम लोग क्विक रिव्यू कर रहे थे, उसमें क्या देख रहे थे कि डिसएडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक क्या था, कि वो एम्पलीफायर के गेन को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन से भी हमको पता चल रहा है, देखो अभी अभी क्या है कि अगर हम न्यूमेरिकल कोई बना रहे हैं, उसमें अगर हम बोलेंगे कि हाँ ओपन लूप गेन 140 था, हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद गेन 200 हो गया, तो वो क्वेश्चन ही गलत होगा, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक हमेशा गेन को रिड्यूस करता है। इसीलिए यहाँ क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि विदाउट फीडबैक था 140, लेकिन अभी क्या बोल रहा है, नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक जब अप्लाई किए तो गेन क्या हो गया, 17.5 हो गया, ठीक है। और बोल रहा है
कितना फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट वापस गया, फीडबैक कितना हुआ, तो ये इसका मतलब बीटा निकालना है। थर्ड पे आते हैं, व्हेन नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक, यहाँ पे भी देखो नेगेटिव ही है, क्यों बार बार हर क्वेश्चन में नेगेटिव है, क्योंकि एम्पलीफायर के लिए हम लोग नेगेटिव फीडबैक ही यूज करते हैं, ठीक है। देखो हम आज क्लास के बीच में सबको एडमिट कर रहे हैं क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे चलता नहीं है, 9 बजे का टाइम था, तुम लोग अभी 9:24 तक भी लोग आ रहे हैं, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है ऐसे क्लास में। नेगेटिव फीडबैक इसमें भी है, एम्पलीफायर जहाँ रहता है वहाँ पे नेगेटिव हम लोग यूज करते हैं, और ये सारा क्वेश्चन एम्पलीफायर का है, इसीलिए हर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेगेटिव फीडबैक। लेकिन अगर ऑसिलेटर पढ़ेंगे हम लोग तो ऑसिलेटर में देखोगे कि पॉजिटिव फीडबैक रहता है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हेन नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर ऑफ गेन 100, मतलब हम लोग एक एम्पलीफायर है जिसका कि गेन 100 है, उसमें नेगेटिव फीडबैक अप्लाई कर रहे हैं, तो द ओवरऑल गेन फॉल्स टू 50, ठीक है। एक एम्पलीफायर है मेरे पास जिसका गेन 100 है, लेकिन जब उसमें नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक अप्लाई कर रहे हैं तो मेरा जो गेन हुआ वो 50 तक पहुंच गया, फॉल्स टू 50, मतलब 100 से वो 50 पे आके गिरा, ठीक है। तो इस लाइन से हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गया, मेरा एक सिंपल एम्पलीफायर था जिसका गेन था 100, मतलब ओपन लूप जो गेन है वो हो गया 100, इसमें जब हम फीडबैक लगाए, आफ्टर फीडबैक क्या हो गया, गेन 50 हो गया, ठीक है। अब मान लो कि क्वेश्चन में या एग्जाम में कभी कंफ्यूजन हो रहा है कि ये AF कौन सा है, A कौन सा है, तो ऐसे भी जान सकते हो कि नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक के बाद जो आफ्टर फीडबैक वाला गेन रहता है वो कम रहता है, तो जो भी गेन कम होगा वो AF है, जो ज्यादा है वो A है, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन हमको फर्स्ट लाइन से पता चला। फिर क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज फेड बैक, मतलब कितना फ्रैक्शन आउटपुट वोल्टेज का फेड बैक हुआ, मतलब फीडबैक में हम लोग वापस से पीछे भेजे, तो इसका मतलब क्या फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, बीटा, ठीक है। बीटा ही फ्रैक्शन होता है कि कितना परसेंट या कितना फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट हम लोग लेकर के और इनपुट में भेज रहे हैं कॉम्बिनेशन के लिए। सेकेंड पोर्शन क्या है, इफ दिस फ्रैक्शन इज मेंटेन्ड, मतलब ये जो तुम फ्रैक्शन निकाले, ये जो बीटा वैल्यू, मान लो कि बीटा वैल्यू निकला 0.2 मान लो, या यहाँ आंसर है 0.01 आंसर है, ठीक है। तुम बीटा निकालिए कि हाँ कितना फ्रैक्शन हुआ, जितना भी आउटपुट था उसका 0.01 जो फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट था उसको हम इनपुट में भेजे। अब सेकंड क्या बोल रहा है कि इफ दिस फ्रैक्शन इज मेंटेन्ड, मेंटेन्ड मतलब अभी हम ये फ्रैक्शन को ऐसे ही रखते हैं, मतलब अभी बीटा हम चेंज नहीं करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम्पलीफायर गेन रिक्वायर्ड इफ ओवरऑल स्टेज गेन इज टू बी 75, मतलब क्या हुआ इसमें, देखो फीडबैक एम्पलीफायर के क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज समझना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ रहता नहीं है। अभी सेकंड में क्या बोल रहा है कि हम बीटा वही रख रहे हैं 0.01, ठीक है। हमको चाहिए कि मेरा जो बीटा है, इसका मतलब कि फीडबैक है, ठीक है। अगर कहीं पे भी हम बोल रहे हैं कि बीटा इक्वल्स टू इतना, दैट मीन्स कि उस एम्पलीफायर में फीडबैक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है सेकंड में कि हमको ओवरऑल स्टेज गेन, मतलब ओवरऑल जो गेन चाहिए वो हमको 75 चाहिए, ठीक है। और यहाँ फीडबैक भी है, तो इसका मतलब ये आफ्टर फीडबैक वाला गेन हमको दिया हुआ है कि हम एक फीडबैक लूप लगा रहे हैं जिसमें कि बीटा 0.01 है, और हमको जो फाइनल गेन चाहिए वो चाहिए 75। पहले कितना आ रहा था, 50 आ रहा था, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि अगर हमको 50 नहीं चाहिए, 75 चाहिए, तो हमको ये जो एम्पलीफायर गेन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मतलब ए जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। मान लो तुम एक सर्किट बनाए हो, उसमें तुमको फीडबैक लगाने के बाद आउटपुट मिल रहा है 50, और जो ओपन लूप गेन है जो एम्पलीफायर लगाए थे उसका गेन था 100, तो उसके हिसाब से तुम देख लिए कि कितना फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट जा रहा है, फीडबैक हो रहा है। अब बीटा पता चल गया, लेकिन तुमको 50 नहीं चाहिए, तुमको चाहिए 75, तो बीटा तुम मेंटेन कर रहे हो, 75 तुमको चाहिए, तो तुम सर्किट में क्या चेंज कर सकते हो, ए ही चेंज कर सकते हो। तो वही बोला है कि अगर हमको ओवरऑल गेन 75 चाहिए होगा, तो हमको ये जो एम्पलीफायर गेन है वो कितना चाहिए होगा, तो हम लोग को इससे क्या पता चला, इसका आंसर आएगा 300। तो मतलब कि अगर हम 100 वाला एम्पलीफायर नहीं लेकर के 300 गेन का एम्पलीफायर लेंगे और 0.01 का फीडबैक लगाएंगे, तो हमको 75 मिल जाएगा आफ्टर फीडबैक गेन, ठीक है। समझ में आया, बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ इसमें लैंग्वेज समझना होता है थोड़ा, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो सिर्फ आगे सिलेबस बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। दूसरा पॉइंट हमको समझ में आया,
देखो पहला पॉइंट समझ में आया, उससे हम लोग फीडबैक फ्रैक्शन निकाल लिए कि मेरा फीडबैक फ्रैक्शन था 0.01, ठीक है। और पहले में इसका मतलब क्या हो गया कि अभी जो मेरे पास सर्किट है उसमें हम एक एम्पलीफायर लगा रहे हैं। फीडबैक एम्पलीफायर में क्या होता है, एक ही एम्पलीफायर रहता है, यहाँ से फीडबैक जाता है, ठीक है। तो अभी के केस में क्या है कि ये जो एम्पलीफायर हम लोग यूज कर रहे हैं उसका गेन है 100, और जब ये बीटा 0.01 जब यहाँ से आउटपुट फ्रैक्शन में जाता है, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है तो यहाँ माइनस हो रहा है, तो जो हमको फाइनल जो AF मिलता है वो AF कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है, ठीक है। ये हम फर्स्ट तक, यहाँ तक हमको पता चल गया कि मेरा बीटा इतना है, ये इतना है, ये इतना है। लेकिन तुम्हारे पास अभी जो ये सर्किट है तुमको चाहिए कि नहीं, हमको ये जो ओवरऑल गेन है वो 50 नहीं चाहिए, हमको 75 चाहिए। यहाँ पे लिखा है ना कि रिक्वायर्ड इफ द ओवरऑल स्टेज गेन इज टू बी 75, मतलब ये जो ओवरऑल गेन है ये हमको 75 चाहिए, पहले 50 था लेकिन हमको 75 चाहिए, ठीक है। अब अगर AF 75 चाहिए, तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, AF इक्वल्स टू A बाय 1 प्लस A बीटा, तुमको AF 75 चाहिए, तो तुम्हारे पास कौन सा दो चीज़ है, या तो तुम A को बदलोगे या फिर बीटा को बदलोगे, यही दो चीज़ को बदल सकते हो। लेकिन सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इफ दिस फ्रैक्शन इज मेंटेन्ड, मतलब ये जो फ्रैक्शन है मतलब बीटा जो है इसको हम मेंटेन किए उतना ही, इसको हम चेंज नहीं किए, तो इसका मतलब दो चीज था तुम्हारे पास बदलने के लिए, लेकिन बीटा को तो चेंज नहीं करना है, तो किसको चेंज करोगे, ए को चेंज करोगे, ठीक है। फीडबैक में दो ही चीज होता है, एक एम्पलीफायर का गेन, एक फीडबैक नेटवर्क। तो फीडबैक नेटवर्क का जो फ्रैक्शन है उसको तुम चेंज नहीं करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि फ्रैक्शन इज मेंटेन, और तुमको AF 75 करना है, तो चेंज क्या करोगे, तुम ये करोगे ओपन लूप गेन को। तो वही दिया हुआ है कि इफ फ्रैक्शन इज मेंटेन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम्पलीफायर गेन रिक्वायर्ड, मतलब A रिक्वायर्ड इफ ओवरऑल स्टेज गेन मतलब AF 75 हो, ठीक है। आ गया समझ में? पिछले क्वेश्चन नहीं, तो ओवरऑल गेन मतलब ये नहीं होता है कि फीडबैक हुआ। पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द ओवरऑल गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, मतलब क्या हुआ कि मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो अगर हम यहाँ पे x दे रहे हैं ये A1 A2 A3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा A1 into A2 into A3 into x, ये आया। यहाँ पे फीडबैक तो नहीं है, मान लो कि इसका गेन A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है, तो ये क्वेश्चन में ये जो है कि ओवरऑल गेन ऑफ अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज 140, ये तुमको ये नहीं बता रहा है कि ये इसमें फीडबैक है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि मेरे पास कुछ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, मतलब दो तीन एम्पलीफायर को हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं, और उसका जो ओवरऑल गेन है यहाँ पर जो गेन आया फाइनल वो 140 है, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल गेन बता रहा है वो, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है व्हेन नेगेटिव फीडबैक इज अप्लाइड, अब इसमें तुम अगर फीडबैक अप्लाई करोगे तो ऐसे करके अप्लाई करोगे, ठीक है, ये फीडबैक आया। सेकंड में क्या है कि अगर तुम नॉर्मल जो हमारा सर्किट रहता था उसमें सिर्फ एक ही एम्पलीफायर रहता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, ये वाला चीज आया समझ में? लेकिन ये जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा नहीं है, थर्ड वाले में बोल रहा है कि एक ही एम्पलीफायर है मेरे पास, लेकिन एक बार उसका हम जो आउटपुट आ रहा है वो 50 आ रहा है, एक बार 75 आ रहा है, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो हम लोग फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में क्या है, द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक इज 50, ठीक है, तो ये तो क्लियर है। 50 क्या है? A है, A equals to 50, क्योंकि इसमें फीडबैक नहीं है, ठीक है। वेयर एज विथ नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक इट फॉल्स टू 25, बिना फीडबैक के 50 था लेकिन जब नेगेटिव फीडबैक लगाए तो फीडबैक के बाद गेन क्या हो गया, 25 हो गया, ठीक है। ये तो पहला कंडीशन है। इफ ड्यू टू एजिंग द एम्पलीफायर गेन्स फॉल्स टू 40, एजिंग मतलब क्या होता है, तुम देखोगे जैसे मान लो कि अगर तुम कोई स्पीकर खरीदते हो तो एक साल दो साल के बाद स्पीकर का पहले जैसा परफॉर्मेंस नहीं रहता है, ठीक है, या फिर मोबाइल हुआ या फिर उसका चार्जर हुआ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो रहता है वो टाइम के साथ एजिंग, मतलब जैसे हम लोग बूढ़े होते हैं ना टाइम के साथ, तो हमारा भी जो परफॉर्मेंस होता है वो घट जाता है। अभी हम लोग अगर 12 घंटे काम कर सकते हैं, आज से 20 साल बाद नहीं कर पाएंगे 12 घंटे, तो वो क्या होगा, हम लोग का एजिंग इफेक्ट होगा। वही चीज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ भी होता है,
ठीक है, या फिर कोई एक बल्ब है उसको अगर लगातार तुम चला रहे हो तो कितना, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना चलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो अंदर का जो कंपोनेंट होता है वो एज, ड्यू टू एजिंग इफेक्ट, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो यही बोल रहा है कि कोई एक एम्पलीफायर है तुम्हारे पास 50, जिसका ओपन लूप गेन है, फीडबैक के बाद ये हो जाता है। तो अभी तुमको सबसे पहले क्या देखना है, तुम्हारे पास ये टोटल फीडबैक में सिर्फ ये 3 चीज रहता है, ए, एएफ और बीटा। अभी तुमको क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में ही ये दोनों चीज दे दिया, तो तुम्हारा काम क्या है, सबसे पहले तुम बीटा ढूंढ लो। ठीक है, सबसे पहले बीटा ढूंढ लिए, तो मान लो बीटा का वैल्यू आया एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या, कि इफ ड्यू टू एजिंग द एम्पलीफायर गेन फॉल्स टू 40। अब मान लो कि मेरे पास ये जो ओपन वाला एम्पलीफायर था उसका गेन क्या हो गया, एजिंग के कारण 40 हुआ, फीडबैक के कारण 40 नहीं हुआ। धीरे धीरे साल दो साल में जो एम्पलीफायर हमको पहले 50 गेन दे रहा था अब 40 दे रहा है। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन स्टेज गेन। परसेंटेज रिडक्शन और परसेंटेज जो इंक्रीज होता है वो कैसे निकालते हैं, किसी को पता है? बोलते हैं ना परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज निकालने, उसमें बहुत लोग गलत करते हैं। फंडा क्या है, मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए है, ठीक है, कोई तुमको 15 रुपए और 5 रुपए और दे दिया। ठीक है, पहले 10 था, अब तुम्हारे पास 15 रुपए है। कोई बोलेगा कि परसेंटेज इंक्रीज बताओ अपने रुपए का, मतलब कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ तुम्हारा रुपया, तुम्हारे पास पहले 10 रुपए था, 15 रुपए है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन मनी कितना हुआ। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, जितना इंक्रीज हुआ वो वाला चीज लिखेंगे और बाकी पहले वाला चीज लिखेंगे, अर्लियर अमाउंट हमेशा। ठीक है, कोई भी चीज का अगर परसेंटेज निकालना हो तो अगर परसेंटेज इंक्रीज बोल रहा है तो इंक्रीज अमाउंट बाय अर्लियर अमाउंट, मतलब पहले कितना था, परसेंटेज रिडक्शन क्या होगा, रिड्यूस्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय अर्लियर अमाउंट। तो अभी क्या है, अर्लियर अमाउंट तुम्हारा है 10, इंक्रीज कितना हुआ, पहले 10 था अब 15 हो गया, मतलब इंक्रीज हुआ तुम्हारा 5 बाय अर्लियर अमाउंट, अपना माइक बंद कर लो, डिवाइडेड बाय अर्लियर अमाउंट। तो अर्लियर अमाउंट क्या था, पहले तुम्हारे पास 10 था इसलिए यहाँ पे 10 लिखेंगे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है, हमको भी था जब हम स्टूडेंट थे, हमको भी होता था कि 15 लिखे कि 10 लिखे। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, तो जितना मेरे पास था उसी के रिलेटिव हम कैलकुलेट करें ना, कि पहले 10 था अब 15 हो गया, तो ये 10 के बेसिस पे हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे कि 5 इंक्रीज हुआ और पहले कितना था मेरे पास, 10 रुपए था। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा, इनटू 100, परसेंटेज के लिए 100 करते हैं, ये हो जाएगा 50%। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास पहले 20 रुपए था, हम 10 रुपए किसी को दे दिया, मेरे पास 10 रुपए बचा, कोई बोलेगा कितना परसेंटेज रिड्यूस हुआ। ठीक है, तो अभी क्या करना है, रिड्यूस्ड अमाउंट, एक्चुअल में कितना रिड्यूस हुआ मेरे पास, पहले 20 था अब 10 है, इसका मतलब 10 रुपए मेरा कम हुआ, मतलब जो रिड्यूस्ड अमाउंट है वो है 10 डिवाइडेड बाय अर्लियर वन, मतलब ये 20। यहाँ पे 10 नहीं लेंगे, हमेशा ये याद रखना है, रिडक्शन हो या इंक्रीज हो तुम्हारा, जो भी हो जो डिवाइड में आएगा वो हमेशा अर्लियर वाला अमाउंट रहता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करना है, एजिंग के कारण बोल रहा है कि मेरा जो एम्पलीफायर था जिसका कि पहले गेन 50 था अब वो 40 हो गया है, तो उसमें कितना परसेंटेज रिडक्शन हुआ गेन में। फीडबैक का कोई बात नहीं आया है अभी, ठीक है, यहाँ पे कोई फीडबैक का बात नहीं आया है, सिर्फ बोला है कि ड्यू टू एजिंग एम्पलीफायर गेन जो है वो 40 पे पहुंच गया। तो एजिंग तो तुम फीडबैक में लगाओ तो भी होगा, नहीं लगाओगे तो भी होगा। तो अभी ये फर्स्ट का जो आंसर है वो परसेंटेज रिडक्शन क्या हो जाएगा, कितना रिड्यूस हुआ, 50 था 40 हुआ, तो रिड्यूस 10 हुआ, डिवाइडेड बाय कितना हुआ, जितना पहले था, पहले 50 था, इनटू 100। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? खुशबू कुमारी अपना माइक बंद करो।
अपना अपना माइक बंद करके रखो प्लीज। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है परसेंटेज रिडक्शन में? नो मैम। ये बहुत बार आया हुआ भी है एग्जाम में, इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, प्रॉब्लम नहीं। नहीं सुने मतलब ध्यान नहीं दिया। अब देखो तुम लोग ध्यान नहीं दोगे तो यहाँ पे हम बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं करेंगे ना। ऑनलाइन क्लास है, इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल छोड़ करके चले जाओ। गलत फायदा मत उठाओ किसी भी चीज का। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है कि गेन ऑफ एम्पलीफायर जो है वो विदाउट फीडबैक है 50, दैट मीन्स ए 50 है और फीडबैक के साथ गेन इसका है 25। तो बीटा क्या हो गया, यहाँ से बीटा निकल जाएगा। अपना माइक बंद करो यार तुम लोग। यहाँ से बीटा आ गया। अब बोल रहा है कि ड्यू टू एजिंग एम्पलीफायर गेन्स फॉल्स टू 40, मतलब जो गेन मेरा पहले 50 था अब 40 हो गया है, तो फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन। परसेंटेज रिडक्शन क्या होगा, कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है। तो रिड्यूस कितना हुआ, पहले 50 था अब 40 हो गया, तो जो रिड्यूस हुआ है वो हो गया 10। मनीष कुमार तुम क्लास से निकल जाओ तो प्लीज। हम बार बार अभी तक मैं चार बार बोल चुके हैं सभी को अपना माइक ऑफ करने। जो नहीं कर पा रहे हैं वो क्लास से अपने आप निकल जाओ, वरना हम यहाँ से हटा देंगे। मैम वो अभी जस्ट ज्वाइन हुआ, अभी आप उसको किए हुए थे। क्लास 9 बजे से था, तुम 10 बजे आ रहे हो। परसेंटेज रिडक्शन हो गया ये। अब सेकंड क्या है, विथ नेगेटिव फीडबैक, मतलब एजिंग के कारण एम्पलीफायर का गेन 40 हुआ। तो अब अगर उसमें हम नेगेटिव फीडबैक लगाते हैं तो हमको कितना गेन मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमको क्या होगा, ए एफ निकालना है। ए एफ क्या होगा, ए बाय वन प्लस ए बीटा। ठीक है, तो बीटा तो हमको पता है, हम लोग पहले ही निकाल लिए थे। लेकिन ये ए जो है, इस ए में ये 40 नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अगर इसका गेन 40 हुआ है तो जब इसमें फीडबैक लगेगा तब क्या होगा। मान लो ये एम्पलीफायर है, इसमें फीडबैक लगा रहे हो तो क्या लगेगा बताओ। 40 बाय 1 प्लस 40 इंटू बी, बी यहाँ पे निकाल लियो, तो वो गेन जो आएगा वो तुम्हारा होगा नेगेटिव वाला फीडबैक गेन। ठीक है, एजिंग के बाद। तो अब परसेंटेज रिडक्शन क्या हो जाएगा, पहले क्या हुआ, तो पहले वाला जो फीडबैक के साथ गेन था वो 25 था, और जो एजिंग के कारण जब ये गेन 40 हो गया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो AF था वो निकालोगे, तब फिर तुम डिडक्शन करके और परसेंटेज निकालोगे कि पहले 25 था उसमें माइनस करोगे, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो माइनस करोगे, डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। ठीक है, सिंपल सा चीज है। पहले तुम्हारा गेन जो था वो 50 था, फीडबैक के साथ 25 था, एजिंग के कारण क्या हो गया कि अब तुम्हारा गेन 40 हो गया। तो गेन 40 हुआ, जब मेरा ए चेंज हो जाएगा, ए 50 से 40 हो गया, तो ए एफ भी तो चेंज होगा, ए एफ भी तो 25 से और कम हो जाएगा, तो वही वाला चीज निकालना है। ठीक है, तो ए एफ निकाल करके और उसके बाद परसेंटेज रिडक्शन में माइनस कर देना है, जैसे परसेंटेज रिडक्शन निकाल रहे हैं, ट्राई करना, ये हो जाएगा। फिफ्थ क्या है, एन एम्पलीफायर हैज एन ओपन लूप गेन, ए वी मतलब वोल्टेज गेन। ठीक है, तो ओपन लूप गेन जो है वो ए वी जो है वो है इतना। नेगेटिव फीडबैक ऑफ 10 डीबी इज अप्लाइड। अभी यहाँ पे क्या करना है, ये 10 डीबी में है, तो क्या करोगे इसको, पहले डीबी से नॉर्मल में करोगे, नॉर्मल वैल्यू में इसको कन्वर्ट करोगे। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करके बीटा का वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद फिर तुम्हारा वोल्टेज गेन विद फीडबैक। ठीक है, फाइंड द वोल्टेज गेन विद फीडबैक और वैल्यू ऑफ ये।
तो वैल्यू ऑफ फीडबैक फ्रैक्शन तो तुमको पहले निकालना होगा। अगर फर्स्ट वाला तुम सॉल्व करना चाह रहे हो तो उसके लिए तुमको पहले सेकंड वाला सॉल्व करना होगा। तो ये जो 10 डीबी है उसका तुमको एब्सोल्यूट वैल्यू में निकालना होगा, वो तुम्हारा होगा बीटा, और उसके बाद फिर तुम फाइंड वोल्टेज गेन विद फीडबैक, तो एएफ निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में ट्रिक यही है कि ये जो 10 डीबी है उसको चेंज करना है एब्सोल्यूट में, ठीक है। 20 लॉग के वाला से मैंने, हाँ इसमें 20 वाला लगेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो है वोल्टेज गेन, इसका मतलब हम लोग वोल्टेज से डील कर रहे हैं, तो वोल्टेज से जब भी डील करेंगे तो वो क्या होता है 20 वाला होता है, ठीक है। तो इसको करके देखना, ये हो जाएगा। तो ये सारा न्यूमेरिकल था हम लोगों का जिसको कि प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को। तो अब ये जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर है वो हम आज नहीं बताएंगे, आज तुम लोगों को क्या करना है ये जो भी ये 5 न्यूमेरिकल है वो करना है, और गूगल क्लासरूम पे हम असाइनमेंट पोस्ट कर दिए हैं वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। वो भी अगर ये 5 बन गया तो गूगल क्लासरूम वाला भी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, सैम्पलिंग नेटवर्क और मिक्सर नेटवर्क पढ़ेंगे, ठीक है। और नहीं तो अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो हम कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि बस यही सैम्पलिंग और मिक्सर ही है। बताओ तुम लोग कंटिन्यू करना, कंटिन्यू कर दें? यस मैम, यस मैम, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल हो गया, न्यूमेरिकल सब सॉल्व कर लेना। अभी आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, तो ये कुछ भी अलग नहीं है, ये अभी तक जो हम लोग जो डायग्राम पढ़ रहे थे वो वही है। ऐसे करके यहाँ पे बीटा नेटवर्क है, ये एम्पलीफायर है, इधर से आउटपुट जा रहा है और यहाँ से ये फीडबैक सिग्नल जा रहा है इधर इनपुट, ठीक है। यहाँ पे प्लस या माइनस होता था, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, एक बेसिक प्रैक्टिकल एम्पलीफायर है जो कि ये हमारा ए है, वही चीज़ है, ठीक है। फीडबैक नेटवर्क जो बीटा है वो ये है, बस इसको नाम से लिख दिए हैं ब्लॉक बना करके, ठीक है। जो भी इनपुट दे रहे थे वो यहाँ पे ये सोर्स है, ये रहा बी नॉट मतलब आउटपुट, ये रहा आउटपुट। तो कुछ भी अलग नहीं है, एक्स्ट्रा क्या है, एक सैम्पलिंग नेटवर्क एक मिक्सर नेटवर्क, ठीक है। ये दोनों होता क्या है, हम लोग बोलते हैं कि आउटपुट से हम लोग कुछ फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट लेकर के और फीडबैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कैसे कनेक्शन बनाते हैं कि हम लोग यहाँ से जो आउटपुट ले रहे हैं उसका जो कुछ पोर्शन ऑफ सिग्नल ले रहे हैं वो सिग्नल सीरीज में ले रहे हैं या पैरेलल में ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा सैम्पलिंग नेटवर्क कैसा है। सेम वे में यहाँ से जो फीडबैक सिग्नल आता है उसको हम लोग इनपुट के साथ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन किस तरह करते हैं, ये जो फीडबैक सिग्नल है उसको इनपुट में जो है सीरीज में कंबाइन करते हैं या फिर पैरेलल में करते हैं, वो डिसाइड करता है कि हम कौन सा मिक्सर नेटवर्क यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को दो चीज़ देखना है कि ठीक है, हम लोग समझे कि फीडबैक एम्पलीफायर में हम लोग आउटपुट से कुछ पोर्शन ऑफ सिग्नल लेकर के और वापस से इनपुट की तरफ भेजते हैं, तो वो जो सिग्नल हम लोग यहाँ से लेते हैं वो किस कनेक्शन से लेते हैं, पैरेलल से ले रहे हैं या सीरीज में ले रहे हैं। दूसरा चीज़ क्या समझना है कि ये फीडबैक नेटवर्क से जो सिग्नल आ रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग इनपुट के साथ ऐड करते हैं या फिर इनपुट के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये सिग्नल को यहाँ पे जब हम कनेक्ट करते हैं तो कैसे कर रहे हैं, सीरीज में कर रहे हैं या पैरेलल में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या है कि बेसिक एम्पलीफायर कैन बी वोल्टेज करंट ट्रांस कंडक्टेंस और ट्रांस रेजिस्टेंस। तो ये सारा तो हम लोग पढ़ चुके हैं आइडियल एम्पलीफायर्स में, फर्स्ट चैप्टर हमारा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए है, ये जो बेसिक प्रैक्टिकल एम्पलीफायर है, ये क्या हो सकता है, या तो वोल्टेज एम्पलीफायर हो सकता है, करंट हो सकता है, ट्रांस कंडक्टेंस या ट्रांस रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि यहाँ पे करंट हो, ये वाला एम्पलीफायर हमको यहाँ पे वोल्टेज दे रहा हो। अगर ऐसा है तो ये बेसिक एम्पलीफायर कौन सा एम्पलीफायर होगा बताओ, सी वाला, कॉमन एमिटर नहीं। तुम्हारा ये जो बेसिक एम्पलीफायर है इसमें इनपुट तुम करंट दे रहे हो और आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, तो ये एम्पलीफायर कौन सा है, वोल्टेज होगा, करंट होगा, ट्रांस कंडक्टेंस या ट्रांस रेजिस्टेंस? ट्रांस रेजिस्टेंस होगा। क्यों?
क्योंकि आउटपुट में वी है, इनपुट में आई है, तो गेन निकालेंगे तो वी बाय आई होगा। और हम बताए हुए कि याद रखने का तरीका क्या है, आर इक्वल्स टू वी बाय आई होता है, तो इसका मतलब ये ट्रांस रेजिस्टेंस वाला एम्पलीफायर है। गुड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फीडबैक एम्पलीफायर में ये जो एम्पलीफायर मेरा होता है ये हम कोई भी यूज कर सकते हैं इन चारों में से, वोल्टेज, करंट, ट्रांस कंडक्टेंस और ट्रांस रेजिस्टेंस। ठीक है, फीडबैक नेटवर्क क्या होगा ये तो हम लोग बताए हुए हैं कि फीडबैक नेटवर्क या तो रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों से बन सकता है, लेकिन हम लोग जनरली रजिस्टर यूज करते हैं। तो फीडबैक नेटवर्क इज अ पैसिव टू पोर्ट नेटवर्क। पैसिव मतलब क्या होता है, एक्टिव पैसिव, एक्टिव हुआ पैसिव हुआ, क्या मतलब होता है एक्टिव और पैसिव का? पैसिव एक्टिव की मदद से बनता है, नहीं एक्टिव आपने आपने चार्ज को रखता है, हाँ एक्टिव जो भी एक्टिव कंपोनेंट रहता है उसके पास ये एबिलिटी रहता है कि वो चार्ज को स्टोर कर सके या फिर वो एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, लेकिन पैसिव के पास अपना कुछ नहीं होता है। ठीक है, पैसिव एलिमेंट जो होता है जैसे रजिस्टर है, रजिस्टर के पास अपना कुछ नहीं रहेगा, तुम जितना वोल्टेज दोगे उस हिसाब से इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये अपना ना कुछ स्टोर कर सकता है ना कुछ एनर्जी ये अपना सोर्स के तरह एक्ट नहीं करता है। लेकिन जो एक्टिव डिवाइस है वो क्या होगा, उसमें अपना एक सोर्स है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल तुम लोग जा करके और गूगल पे या कहीं पे देख लेना, हम नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे किसी का भी नाम लेकर के। इसलिए नोट कर लो कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है, उसको डिटेल में पढ़ना, हम किसी का भी नाम लेके पूछ देंगे। तो जो फीडबैक नेटवर्क होता है वो हमारा पैसिव नेटवर्क है। टू पोर्ट मतलब ये दो लाइन निकल रहा है ना, तो ये टू पोर्ट है, जैसे प्लस माइनस। ठीक है, तो जो वायर रहता है, मान लो एक पॉजिटिव वाला जो वायर है उसको हम यहां से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव वाला इधर से। ठीक है, तो फीडबैक नेटवर्क जो है हमारा टू पोर्ट नेटवर्क होता है, कंसिस्टिंग ऑफ रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। जनरली हम लोग रजिस्टर यूज करते हैं। इट्स इनपुट साइड इज कनेक्टेड टू सैम्पलिंग नेटवर्क, मतलब क्या हुआ, ये वाला जो साइड है इनपुट साइड है और ये साइड आउटपुट साइड है। कोई इसी को ये नहीं समझना है कि उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल कैसे फ्लो कर रहा है, आउटपुट से सिग्नल इधर आ रहा है, मतलब कि ये फीडबैक में एंट्री पॉइंट किधर है, इधर है, और एग्जिट पॉइंट किधर है, इधर से। ठीक है, इसीलिए फीडबैक नेटवर्क का जो इनपुट साइड होता है वो सैम्पलिंग नेटवर्क से कनेक्टेड होता है और आउटपुट साइड मिक्सर नेटवर्क से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को यहाँ तक? अब क्या बोला है, सिग्नल सोर्स विल बी आइदर वोल्टेज और करंट। ये जो सिग्नल सोर्स है या तो ये वोल्टेज दे सकता है या करंट दे सकता है। सही बात है, क्योंकि मेरा जो ये एम्पलीफायर है वो क्या हो सकता है, ट्रांस कंडक्टेंस भी हो सकता है, ट्रांस रेजिस्टेंस भी हो सकता है, वोल्टेज या करंट भी हो सकता है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, मेरा सिग्नल सोर्स क्या है। ठीक है, अगर सिग्नल सोर्स वोल्टेज है और हमको आउटपुट में भी वोल्टेज मिल रहा है, मतलब कि ये जो एम्पलीफायर है हमको वोल्टेज एम्पलीफायर लगाना होगा, तो सिग्नल सोर्स मेरा वोल्टेज या करंट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब वोल्टेज होता है ये तो हम बता चुके हैं कि वोल्टेज सोर्स के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, करंट सोर्स में रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है। तो अभी हमको सोर्स रेजिस्टेंस का कोई बात नहीं करना है। तो ये इतना सही चीज था, अगर मान लो कि फीडबैक एम्पलीफायर बनाने आता है, जो तुम लोग अभी तक जो सर्किट देख रहे थे, हम सबसे शुरू में ये वाला डायग्राम नहीं डाले, नहीं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम लगता है। तो ये डायग्राम बना करके और डायरेक्टली जैसे ये जो पहले वाला था ना, ये नहीं करके डायरेक्टली इसमें जैसे बेसिक प्रैक्टिकल एम्पलीफायर ए लिख दो, फीडबैक नेटवर्क ऐसे ब्रैकेट में बीटा लिख दो, तो ऐसे करके डायरेक्ट ये डायग्राम बना करके भी तुम लोग डेरिवेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले देखते हैं सैम्पलिंग नेटवर्क। मैम इससे पहले एक साइड सीरीज से जुड़ा हुआ है, इसे पैरेलल जुड़ा हुआ है, सैंपलिंग नेटवर्क में ये सीरीज में जुड़ा हुआ है फीडबैक नेटवर्क। फीडबैक नेटवर्क सीरीज में जुड़ा हुआ है मतलब, यहाँ पे अभी ये नहीं यहाँ पे अभी नहीं दिखाया गया है कि ये सीरीज में जुड़ा है कि पैरेलल में, ये तो बस एक ब्लॉक डायग्राम है ना। ठीक है, ये बस एक ब्लॉक डायग्राम है, इसका मतलब ये नहीं, उसका माइनस का वायर इसके प्लस के वायर से जुड़ा हुआ है और इसका माइनस वायर इसके प्लस के वायर से। नहीं, ये जो प्लस माइनस है ना वो सिर्फ दिखा रहा है, जो हम कल बताए थे ना 180 डिग्री फेज शिफ्ट, वो बस यही दिखा रहा है कि ये जो मेरा एम्पलीफायर है वो क्या है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। तो मान लो कि सिग्नल सोर्स तुम ये पॉजिटिव नेगेटिव दे रहे हो, तो ये आगे गया, जब एम्पलीफायर से निकलेगा तब क्या होगा, इसमें एक क्या बताए थे, फेज शिफ्ट होगा, तो ये माइनस प्लस होगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये डायग्राम में ये लोग कुछ गलत बनाया है, माइनस प्लस होगा, उसके बाद ये माइनस प्लस फीडबैक नेटवर्क भी एक फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा,
तो फीडबैक नेटवर्क में क्या होगा, ये माइनस प्लस वापस से 180 डिग्री फेज शिफ्ट होकर के ये वापस से प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सही है, तो ये प्लस माइनस हुआ, मेरा सिग्नल भी प्लस माइनस था, मतलब क्या हुआ, अभी ये इन फेज है, ठीक है। लेकिन इस डायग्राम से तुम ये नहीं बता सकते हो कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है या सीरीज में, ये बस एक जनरल ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। तो अभी हम लोग सैम्पलिंग नेटवर्क अगर देखें तो पहला है हमारा वोल्टेज सैम्पलिंग, दूसरा है करंट सैम्पलिंग, ठीक है। पहला जो वोल्टेज सैम्पलिंग है इसको कहते हैं नोड सैम्पलिंग, नोड सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में नोड सैम्पलिंग आ गया तो ये नहीं कि मैम नहीं पढ़ाइए या हम लोग नहीं पढ़े, वोल्टेज सैम्पलिंग को ही नोड सैम्पलिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा ये आउटपुट हुआ प्लस माइनस ऐसे आ रहा था, तो जो हम यहाँ से फीडबैक नेटवर्क के लिए जो कनेक्शन करते हैं, यहाँ से हमको आउटपुट इधर भेजना है फीडबैक नेटवर्क में, तो ये जो कनेक्शन करेंगे वो पैरेलल में करेंगे, ठीक है। मतलब पॉजिटिव वाला जो है उससे हम अलग वायर निकालेंगे, नेगेटिव वाले से अलग, नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, समझ में आया, पैरेलल कनेक्शन। अच्छा एक चीज देखो, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, प्लस माइनस, मतलब अगर एक रजिस्टर है तुम्हारा, ये प्लस टर्मिनल है ये माइनस टर्मिनल है, तो दूसरे रजिस्टर का पॉजिटिव टर्मिनल तुम नेगेटिव से कनेक्ट करोगे, फिर इसी तरह ये बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर कोई रजिस्टर को बोलते हो पैरेलल में, तो बोलते हो ना ये पैरेलल में, क्यों बोलते हैं इसको पैरेलल में, क्योंकि इस रजिस्टर का जो प्लस टर्मिनल है वो दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं और इसका नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्शन है, नेगेटिव टू नेगेटिव कनेक्शन है, तो वो होगा पैरेलल कनेक्शन। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव फिर उसके नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किए, वैसा अगर कनेक्शन है तो वो होगा सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग पैरेलली ले रहे हैं, ये जो वोल्टेज हम लोग ले रहे हैं पैरेलल कनेक्शन है ये, देखो ये अगर ये पॉजिटिव वायर है ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव इस वायर में जाएगा, पॉजिटिव के लिए अलग वायर लिए और नेगेटिव के लिए अलग लिए। तो इस तरह का अगर हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं तो उसको कहेंगे वोल्टेज सैम्पलिंग। तो आउटपुट वोल्टेज इज सैम्पल्ड बाय कनेक्टिंग फीडबैक नेटवर्क इन शंट अक्रॉस द आउटपुट, शंट मतलब पैरेलल, तो ये नेटवर्क जो है इसको हम पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, जो भी मेरा फीडबैक नेटवर्क है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो मेरा जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होगा, हमेशा रिड्यूस होता है। सीरीज कनेक्शन करेंगे तो रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा, ये तो ऑब्वियस ही बात है। मान लो 3 ओम और 9 ओम का रेजिस्टर है तुम्हारे पास, अगर इसको पैरेलल में सीरीज में कनेक्ट करोगे तो 12 ओम आएगा, पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो कितना आएगा, 3 × 9/12, तो ऑब्वियसली ये 12 से कम होगा। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी पैरेलल कनेक्शन होता है तो मेरा जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो घट जाता है। तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज सैम्पलिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो मेरा आउटपुट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक, नहीं है। करंट सैम्पलिंग में क्या होता है, करंट सैम्पलिंग को कहते हैं लूप सैम्पलिंग, वोल्टेज को कहते थे नोड, करंट को कह रहे हैं लूप, ठीक है। करंट सैम्पलिंग में क्या करते हैं, हम लोग एक सीरीज नेटवर्क यूज करते हैं, सीरीज नेटवर्क मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, ठीक है। तो यही लिखा है कि आउटपुट करंट इज सैम्पल्ड बाय कनेक्टिंग फीडबैक नेटवर्क इन सीरीज अक्रॉस द आउटपुट। अभी क्या हो रहा है, मान लो ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इधर का जो चीज आया ये मान लो ऐसे है, ये फीडबैक नेटवर्क, ये दोनों पॉइंट जो है इसको हम क्या कर रहे हैं, एक ही साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना। पहले यहाँ पे क्या था, ये वाला टू पोर्ट है, तो पहला पोर्ट से पहले वाले को कनेक्ट कर रहे थे, दूसरे वाले को दूसरे से। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कि ये पहला वाला पोर्ट जो है वो तो है ही, क्योंकि हमको सीरीज में कनेक्ट करना है, तो हम इसको बीच में यहाँ पे लगा दे रहे हैं, तो ये सीरीज में हो गया। सिर्फ कनेक्शन देखना है, पहले मेरे पास क्या था, ऐसे करके वायर था, तो एक हम यहाँ से टैप कर रहे थे, दूसरा यहाँ से टैप कर रहे थे। लेकिन सीरीज वाले केस में क्या होगा, अगर दो कनेक्शन है तो हम यहाँ से बीच से थोड़ा सा हटा करके और यहाँ पे से कनेक्शन लेंगे, ये दो कनेक्शन है। किसी का कोई डाउट है क्या, माइक ऑन हुआ किसी का, ठीक है। तो यहाँ तक पता चल गया, तो ये कनेक्शन टाइप होता है, एक होता है वोल्टेज कनेक्शन, एक होता है सीरीज कनेक्शन। अब क्योंकि यहाँ पे सीरीज में हम लोग लगा रहे हैं,
तो यहाँ का अगर करंट सैम्पलिंग किसी एम्पलीफायर में हम लोग यूज किए हैं, इसका मतलब क्या होगा, उसका आउटपुट रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, जहां पे भी सीरीज कनेक्शन होगा वहां का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर हम इनपुट में सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि एकदम बेसिक नेचर होता है कि कभी भी हम लोग जब सीरीज कनेक्शन करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है। तो अभी हम लोग क्या देखें, सैम्पलिंग नेटवर्क, जो कि आउटपुट से हम लोग फीडबैक सिग्नल को कैसे लेते हैं। तो दो तरीका है, एक होता है पैरेलल, एक होता है सीरीज। पैरेलल में क्या करते हैं, ये अगर मेरा एम्पलीफायर है तो ऐसे करके डायग्राम बनाएंगे, मतलब टू पोर्ट है तो दोनों से अलग अलग वायर लेंगे। लेकिन करंट सैम्पलिंग या सीरीज नेटवर्क में क्या होता है, अगर ये एम्पलीफायर है तो पहले वाले लाइन को कुछ नहीं करते हैं, दूसरे वाले में ही सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं फीडबैक नेटवर्क का वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। चलो फिर मिक्सर देखते हैं। सैम्पलिंग हो गया, मतलब मेरा आउटपुट से हम कैसे सिग्नल ले रहे थे वापस फीडबैक नेटवर्क में, वो तो सॉल्व हो गया। लेकिन अब फीडबैक नेटवर्क से जो सिग्नल आएगा वो कैसे मिक्स होगा इनपुट से, वो हमको देखना है। ठीक है, तो अभी ये वाला चीज। हाँ मैम, आई थिंक 10 o'clock मैम, मॉर्निंग कौन सा क्लास होगा मैम? अच्छा, दो मिनट रुको, लेट मी फिनिश दिस, बस यही एक लास्ट टॉपिक था। तो अभी क्या हुआ, ये देख करके क्या लग रहा है, सीरीज है। अभी हम लोग देखे ऐसा वाला कनेक्शन सीरीज होता है, और यहाँ पे क्या है, ये दोनों से अलग अलग वायर निकला है, इसका मतलब ये वाला कनेक्शन क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, तो इनपुट साइड में क्या होगा, अगर सीरीज मिक्सिंग है तो उसको कहेंगे सीरीज मिक्सिंग। ठीक है, ये सीरीज में मिक्स हो रहा है इनपुट में, और यदि इनपुट साइड में पैरेलली हम लोग मिक्स करते हैं तो उसको कहते हैं शंट मिक्सिंग। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है? तो क्योंकि इनपुट में हम लोग सीरीज यूज किए हैं तो अभी क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, शंट है तो शंट क्या करेगा, रेजिस्टेंस को घटा देगा, तो इस साइड में जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। ठीक है, तो बस इतना ही था हमारा आगे। तो इसका जो भी डाउट सेशन होगा या फिर कुछ होगा तो हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको खत्म करते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन हम अपलोड कर देंगे, वीडियो अपलोड होने में तो थोड़ा टाइम लगता है, प्रेजेंटेशन अपलोड कर देंगे ताकि तुम लोग इसको ठीक से देख पाओ।